पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी और आज बुलंदशहर के नरोरा किए बसी घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल हो सकते हैं। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कि उनकी पैतृक गांव होगा, जिसमें तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, साथ ही यूपी के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे अंतिम संस्कार में, और साथ ही विपक्षी दलों के भी कई सारे नेता हैं जो आज शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी जब लखनऊ में पार्थिव देह रखा गया था तो तमाम बड़े नेता भी पहुंचे थे, और साथ ही आम जनता को भी अंतिम दर्शन के लिए छूट दी गई है, और साथ ही आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम व्यापक इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जो कि नेता वहां पर पहुंचेंगे, और साथ ही सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी में आज अंतिम संस्कार होगा, और साथ ही बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति भी है। और 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब अंतिम संस्कार होगा, और नरोर के बसी घाट पर अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर तैयारियां 2 दिन पहले से ही की जा रही हैं। और गांव में भी काफी ज्यादा लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहले भी लखनऊ पहुंचे थे, आज भी पहुंचेंगे। आज अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें जहां एक तरफ आम जनता को छूट दी गई है अंतिम दर्शन की, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जहां अंतिम संस्कार पूरा है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टर लाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एससीएससी अध्यक्ष। लाल जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद लाल जी। आज अंतिम संस्कार होना है कल्याण सिंह जी का, और जी। इसको लेकर तमाम व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन जो बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है वो एक अपूर्णीय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्रद्धेय कल्याण सिंह का निधन उत्तर प्रदेश के लिए तो क्षति है ही है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक युगांतरकारी व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपनी सत्ता को कुर्बान कर दी थी। ऐसा उदाहरण आपको भारतीय राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। और उनकी जो शख्सियत थी, एक ईमानदार, एक पारदर्शी और एक दृढ़ व्यक्तित्व के रूप में जो उन्होंने कार्य किया, खास करके उत्तर प्रदेश में पहली बार नकल अध्यादेश के माध्यम से जो नकल पे रोक लगाने का काम किया, इसके अतिरिक्त जो उनका कानून व्यवस्था पे जो पकड़ थी, अधिकारियों ब्यूरोक्रेसी पे जो पकड़ थी, और दलितों वंचितों पिछड़ों के प्रति जो उनका आगाध स्नेह था वह भी अप्रतिम था। इसलिए श्रद्धेय कल्याण सिंह के जाने से बड़ी मायूसी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके परिवार की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। लाल जी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि जितना प्यार कल्याण सिंह को मिला है वो शायद ही बहुत चुनिंदा ऐसे नेता निकल कर सामने आते हैं जिनको इस तरह का प्यार मिला हो, लेकिन आप किस तरह से याद करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री को? निश्चित रूप से पूरे देश के लाडले थे वे जी, और
राजनीति के केंद्र बिंदु थे, भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। मुझे याद आ रहा है जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वंचितों के प्रति इतना स्नेह था कि एक पूरे देश के दलित ये डिमांड कर रहे थे कि जो ये हरिजन शब्द है उसे निषेध किया जाना चाहिए जी। और आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में जी श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से हरिजन शब्द को निषेध कर दिया जी। और ये फिर समाज कल्याण विभाग बना और इसका इसकी जो परिणति पूरे देश में देखी और पूरे देश में ये परंपरा लागू हुई कि हरिजन शब्द को हटा करके उसकी जगह समाज कल्याण किया जाए। इसके अतिरिक्त भी सांगठनिक तौर पे लोगों से मिलना जुलना, कार्यालय में बैठ करके जब वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठते थे तो सभी जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे सबको बुला लेते थे, बगल से लाई चना मंगवाते थे और सबके साथ बैठ के खाते थे। एक प्रकार से जो पारिवारिक एकजुटता होती है जी। और सबसे समन्वय, सभी लोगों से समन्वय, एक दृढ़ निर्णय लेने वाले व्यक्ति भी थे जी। लोगों को परिवार की तरह प्यार भी करते थे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके उनका समर्पण पूरे देश ने देखा। जब भगवान श्री राम जी का जो मंदिर के निर्माण का जो आंदोलन हुआ उसमें जो इन्होंने जो समर्पण किया, जो त्याग किया, वो सदियों तक याद रखा जाएगा जी। और जो भगवान श्री राम जी की नींव के पत्थर साबित हो चुके हैं, अब वो नहीं है हमारे बीच में लेकिन उसके नींव के पत्थर बन करके हमारे बीच में स्मृतियों में मौजूद है। लाल जी, कई सारे अब वीडियो भी सामने आ रहे हैं, आपने भी शायद देखा होगा कि जिस तरह से वो जिक्र करते हैं कि उनका पार्थिव देह भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे में लपेट कर ले जाया जाए, और वो बात कहते कहते वो कहीं ना कहीं भावुक भी हो जाते हैं बाद में। उनके उनके बेटे ने भी कहा कि उनका जो जन्म हुआ था वो राम मंदिर के निर्माण के लिए ही हुआ था। तो अब कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जहां वो भावुक हुए थे, अब वो वीडियोस देख देख कर जनता भी कहीं ना कहीं भावुक हो रही है आपके साथ जी। बोलिए। निश्चित रूप से वो जो उनका जो कथन था, और भारतीय जनता पार्टी को माँ की तरह प्यार करते थे, जैसे शिशु अपने माँ को प्यार करता है और माँ शिशु से बिछड़ नहीं सकती, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से उनका लगाव था। बीच में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिसके कारण कुछ विसंगतियां हुई, लेकिन अंततः वे भारतीय जनता पार्टी के लाडले बने। और भारतीय जनता पार्टी से कितना लगाव था पार्टी से वह आप उस वीडियो में देख सकते हैं, कितने भावुक होते हैं कि जब मैं मेरा इंतकाल हो, जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटा जाऊं। यह एक बड़ा ही मार्मिक और बड़ी बड़ी संवेदनशील उनकी अभिव्यक्ति थी जिसे याद रखा जाएगा, और ये उनका समर्पण है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, खड़ा करने में उनका यह योगदान। पार्टी आभारी है और पूरा देश आभारी। वाकई में डॉक्टर लाल जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लंबे समय से बीमार चल रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को निधन हो गया था। बीते दो दिनों से कल्याण सिंह की तबियत नाजुक बनी हुई थी और कल्याण सिंह को 21 जून को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती किया गया था। 4 जुलाई को जब सबसे पहले उनकी तबियत ज्यादा खराब हुई तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे थे। तबियत में सुधार न होने के बाद उसी दिन उन्हें पीजीआई शिफ्ट किया गया था। कल्याण सिंह के 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बार अतरौली के विधानसभा सदस्य रहे। साथ ही कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसद और राजस्थान और साथ ही हिमाचल के राज्यपाल भी रहे। तो पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साल 1991 में बने और दूसरी बार 1997 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।